आप सबका एक बार फिर तो अपने नए व्लॉग में कैसे हैं आप। उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर 11 बजाती। जी हाँ, दोपहर 11 बजाती शीतलहर के साथ। आज हवा है वो ठंडी ठंडी चलन लाग रही है। वैसे तो मैं बाहर आ रही हूँ, बाहर का आंगन में तो इतनी हवा है वो लाग को नहीं रही, लेकिन जब बाहर निकला तो बहुत जोर की हवा है वो चलन भी लाग रही है। और एक बार मैंने आंगन में झाड़ू लगा भी ली है, एक बार दोबारा ती आपने दिखाऊंगी किसा के हाल है वो आंगन का हो रहा है। हवा चलन आती सारा पत्ता पुता है वे आ रहे हैं। बाकी आज इतनी ठंडी हवा तो कोनी कैस का, लेकिन थोड़ा धूप निकल रहा है जैती थोड़ा हा बैलेंस हो रहा है, हवा में भी थोड़ा है बैलेंस है वो हो रहा है। बाकी मम्मी गीता में जा रही है, 12 बजे आ रही थी, मैं सोची मम्मी ये आ गई है। और मम्मी तो आज कह भी रही थी कि आज तो राम ने पंखा का बटन दबा रहा है क्या सर, एक दिन कह रहा था आज तो राम ने कूलर चला रखा है, ठंडी ठंडी हवा है वो आवन लाग रही है, तो बंद करवा दो कोई बात, देखो अपना तो हाथ में कोनी, बंद क्यों करके करवाया जा है। तो चलो एक बार बाहर का आंगन है वो तो मैं आपने दिखाई दूं। मौसम आपने देख लिया होगा, सुबह सुबह आज हवा से वो बढ़िया वाली चल रही है, धूप भी निकल रही है लेकिन हवा तो अच्छी चलन लाग रही है। उरा कपड़ा है वे भी आपने दिखता होगा हालन लाग रहे हैं। बाकी कूड़ा है ऊपर तिड़का आ गया सा आंगन का, मैं एक बार मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी, दोपहर का दिखाने लाग रही हूँ आपने। अगर सारा जो नीम का पत्ता पुता था वे सारा झड़का आ गया सिर, इब की बार तो नीम ने भी ज्यादा लाग, पेड़ा ने तो खासकर ज्यादा लाग गए है। और सरसम भी कया कर रहे हैं, उरा मार उरा कह लाग रहे हैं कि सरसम में भी ज्यादा की मार्स है। बाकी आसमान आपने दिखने लाग रहा होगा बहुत बढ़िया लाग रहा है, जिसे दिखने में लाग रहा है उस फिलहाल उस टाइम पे जब मैंने ये शूट करा था तो इस आए था अप आ गया था अंदर। अंदर आने के बाद मेरी फेवरेट सब्जी है, मैंने बहुत अच्छी लागा है पाल पत्ता गोभी और आलू की सब्जी, तो मैंने सुबह सुबह चढ़ा दी थी सब्जी सब्जी बना लेंगी क्योंकि बालक तो स्कूल में चला गया था, उनका टिफिन मैंने अलग थी पैक कर दिया था। और इब हम तीनों बच्चा है, मैं मम्मी और यंशु पापा, तो हम अपनी सब्जी हो बना लेवेंगे। और कई कई बारी सामान हो भी जाए कि आज कुछ अलग तो बनावा हटका बनावा, तो बस मैंने वो आलू और पत्ता गोभी की सब्जी है वो बना ली थी। पत्ता सब्जी तो बनाई बनाई थी, साथ में फिर हमने भी बना ली थी चाय भी, क्योंकि एक जना आ गया था तो उस खातर हमने चाय बनानी पड़ गई थी। एक कप ही चाय बनावांगा क्योंकि हमारा तो रोटियाँ का टाइम हो रहा था, हम तो रोटी खाऊंगा, एक कप चाय हवा भी मैंने बना दी है। और ईब जब मम्मी गीता में चली गई थी आज, तो गीता माती के लेकर आई थी वो आपने दिखाने लाग रही हूँ, 5 रसगुल्ला लेकर आई थी और एक जो कटोरा कटोरी बोल रहे हैं हवा लेकर आई थी वो आप लोगों ने दिखाने लाग रही हूँ। एक रसगुल्ला हमने खा भी लिया था, बड़का ने कोई सन खा लिया था तो एक रसगुल्ला खा लिया था, 4 आप लोग आते दिखाने लाग रही हूँ। आजकल गीत गात सब घनाए गए रहे, सीजन आ रहा है शादी का, जहाँ मम्मी जाऊँती रवे है। फिलहाल श्याम का मौसम है, श्याम का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा, एकदम ती ईसा पलट रहा था तो मैंने सोचा ये वाला कैप्चर तो जरूर करना है। एक साइड ना मौसम है वो चढ़ा चढ़ा सा लग रहा था, यानी कि बादल चढ़ रहा था, एक साइड ना खुला था, खुला साइड बालक जिस साइड ने खेलने लग रहे हैं वो खुला है और आगे आपने इस साइड देख भी लिया होगा। तो बस आज की क्लिप तो मेरी इतनी थी, कल जब अनिता गई थी और वो वाली क्लिप देख लिया आप गीता वाली।
फिलहाल ई बम ने अपनी चढ़ा राखी से कढ़ाई, कढ़ाई चढ़ा के ई बम बनावन लाग रहा गूंद। गूंद क्यों बना रहा, कुकर बना रहा, वो तो आपने कल की वीडियो में ही बेरा लगेगा। तो कैसा लगे आज का वो लोग कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलांगा एक नई वीडियो में गूंद के साथ, तो मिलांगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।